शुद्ध विचार और प्रेम में व्यवहार, इन्हीं अमूल्य धन से बनेगा आपका सुखमय संसार। हैप्पी धनतेरस, अ फेस्टिवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ओम शांति। सभी भाइयों को, बहनों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज धनतेरस का दिन है और धनतेरस पर विशेष हम सभी श्री लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं और लक्ष्मी जी के आवाहन के निमित्त सबसे पहले पूरे घर की सफाई करते हैं ताकि श्री लक्ष्मी जी का आवाहन हो सके। उसके बाद व्यापारी लोग अपने पुराने चौपड़े को समाप्त कर नए चौपड़े को आरंभ करते हैं और उस नए चौपड़े पर लिखते हैं शुभ लाभ। स्वास्तिक का निकालकर श्री गणेश करते हैं नए चौपड़े का, ताकि आने वाले साल में कोई भी प्रकार का विघ्न जीवन में, व्यापार में अनुभव न हो। तो इस तरह से धन की देवी श्री लक्ष्मी जी का विशेष पूजन करते हुए धन धान्य से संपन्न रहने की कामना रखते हैं। वास्तव में इसके पीछे बहुत गहरा अर्थ है। अर्थ यही है कि सबसे पहले सफाई जो करते हैं, अर्थात शुद्धि की आवश्यकता है। घर की सफाई से भी ज्यादा आंतरिक शुद्धि की जरूरत है। हमारे मन, वचन, कर्म की शुद्धि, बुद्धि की सफाई करने की आवश्यकता है और दृष्टि, वृत्ति की शुद्धि रखना जरूरी है। मन की शुद्धि के लिए हम अपने मन से नकारात्मक विचार, व्यर्थ विचार को दूर करते हुए मन में शुद्ध सकारात्मक विचार का आवाहन करें। वाणी की शुद्धि के लिए वाणी में निर्मलता, सुमधुरता और कर्म की, व्यवहार की शुद्धि के लिए संस्कारों में श्रेष्ठता, कर्म में श्रेष्ठता लाने की जरूरत है। बुद्धि को स्वच्छ करें, अर्थात जो मन के अंदर अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार होने के कारण बुद्धि का फोकस हमारा धुंधला हो गया है। जब सकारात्मक विचार पनपने देते हैं तब बुद्धि का फोकस भी स्पष्ट हो जाता है और विशेषकर दृष्टि, वृत्ति की पवित्रता को अपनाना है। इस तरह से हम अपने भीतर की सफाई जरूर करें। तो इस दीपावली पर ये संकल्प जरूर ले कि इस तरह की आंतरिक शुद्धि, हमारे मन की शुद्धि जब ले आएंगे तो नेचुरल है कि परिवार के अंदर आपसी व्यवहार और संबंधों में सुमधुरता जीवन के अंदर आने लगेगी और उसके बाद बही खाता वास्तव में एक सिर्फ व्यापारियों के लिए नहीं है, लेकिन हर इंसान के जीवन के कर्मों के चौपड़े
उसमें बहुत सारा ऊपर नीचे हो गया है, उधारी जमा हो गई है। तो इस दीपावली पर हम पिछले सालों में जिससे भी कुछ अनबन हुई, कुछ मनमुटाव हुआ, कुछ अनेक प्रकार के व्यर्थ की भावनाओं को जागृत किया, उन सब को समाप्त कर हिसाब किताब को चुकतू करते हैं और नए बही खाते को आरंभ करते हैं। अर्थात हम अपने रिश्तों में बहुत सुंदर भावनाओं का आवाहन करते हुए शुभ भावना, शुभ कामना हर संबंध में प्रवाहित करते हुए नए चौपड़े को आरंभ करते हैं। उसके लिए जैसे व्यापारी लोग हमेशा उस चौपड़े को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम लिखते हैं शुभ लाभ, अर्थात जीवन के अंदर लाभ तो तभी होगा जब लाभ का उल्टा कर दिया जाए, अर्थात भला। कि जब मनुष्य हर इंसान का भला सोचने लगे, जब हर व्यक्ति के प्रति भलाई के शुद्ध संकल्प हमारे मन के अंदर पनपने लगे, शुभ भावना शुभ कामना की सरिता हृदय से बहने लगे, तभी तो शुभ लाभ होगा। उसके साथ साथ स्वास्तिका निकालते हुए श्री गणेश करते हैं। स्वास्तिका शब्द जो है संस्कृत के सुअस्ति शब्द से निकला है। सु यानी शुभ, अस्ति यानी जो है, जो सदा ही शुभ है। जीवन के अंदर जो कुछ भी होता है उसको सदा शुभ समझते हुए स्वीकार करना। कभी कभी कई विघ्न भी अगर आते हैं, कई रुकावटें भी जीवन में आती है, उसके पीछे भी कुछ न कुछ कल्याण जरूर समाया हुआ होता है। उस कल्याणकारी दृष्टि से देखे, ऐसा नजरिया अपना बना दे, क्योंकि जीवन के अंदर जब भी कुछ होता है तो बुरा तो कुछ होता ही नहीं है, हमेशा शुभ ही होता है, कल्याण ही होता है। और कुछ नहीं तो हर परिस्थिति जीवन में कोई ना कोई अनुभव प्रदान करके जाती है। कोई ना कोई विघ्न भी अगर आता है तो वो भी जीवन के अंदर कोई ना कोई सीख देकर जाता है, तो लाभ ही हुआ। और इसीलिए विघ्नों को विघ्न की रीति से न देखे, रुकावट की रीति से न देखे, लेकिन उसमें जो सीख ईश्वर हमें देना चाहते हैं उस सीख को सीखते हुए आगे बढ़े। यही बही खाता नए दृष्टिकोण के साथ हमें आरंभ करना है। और फिर कहा जाता कि श्री लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, आवाहन करते हैं, ताकि धन धान्य से संपन्न हो। परमात्मा ने हमें सबसे बड़ा धन अगर दिया है वह है ज्ञान का धन, दूसरा सद्गुणों का धन, श्रेष्ठ संस्कारों का धन, श्रेष्ठ चरित्र का धन। इससे हम अपने जीवन को पूर्ण करें, संपूर्ण करें। क्योंकि जैसे कहा जाता है, आज संसार में गरीबी अगर है तो स्थूल धन की खाली नहीं है, लेकिन हर इंसान के अंदर श्रेष्ठ चरित्र की गरीबी आ गई है,
श्रेष्ठ संस्कारों की गरीबी आ गई है। तो परमात्मा सद्गुणों का धन देते हुए हमको श्रेष्ठ चरित्रवान बनाते हैं। हमारे संस्कारों का नवीनीकरण करते हुए श्रेष्ठ संस्कारों से जीवन हमारा सुंदर हो जाए, ताकि श्री लक्ष्मी का आवाहन खाली घर में नहीं अपने जीवन में कर सके। श्री लक्ष्मी का आवाहन करना अर्थात श्री लक्ष्मी के जैसे श्रेष्ठ लक्षणों का आवाहन करना। और जब ऐसे श्रेष्ठ लक्षणों का आवाहन करते हैं तो नेचुरल है आत्मिक ज्योत सदा जग जाती है। और इस तरह से अगर घर घर में इस धन धान्य से संपन्न जब लोग हो जाते हैं, हर आत्मा इसका अनुभव करने लगती है, तब सच्ची दिवाली सही स्वरूप से मना सकते हैं। तो आज इस महामारी के समय में, जब चारों ओर सूक्ष्म श्रेष्ठ भावों के साथ हम दीपावली अपने घर के अंदर मनाएं, तो सदा सुरक्षित भी रहेंगे और सदा ही अपने आप को उस परमात्मा के साथ जोड़ते हुए स्वयं को सशक्त भी करेंगे। तो ऐसी शुभ दीपावली आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। धनतेरस की बहुत बहुत बधाई हो। सदा शुभ लाभ से अपने जीवन को भरपूर करें। ओम शांति।